दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बना के अपलोड किया था, ये वाला वो वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक चैनल का आइडिया दिया था जिस चैनल पर सिर्फ 22 दिन में 1,00,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। ये बंदा अपने YouTube चैनल पर फूड से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करता है। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारी YouTube पे वीडियो देखी होगी फूड चैलेंजिंग की, कि आप 2 मिनट में 5 मिनट में ये चीज खा लीजिए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये बंदा उनकी वीडियो यूज करता है और अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है, उनकी सच्चाई बताता है कि ये जो फूड चैलेंजिंग करते हैं वो अपनी वीडियो में कितनी सच्चाई दिखाते हैं, उनकी सच्चाई बताता है। तो ये चैनल आइडिया मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे दिया था कि आप भी एक ऐसा YouTube चैनल बना लीजिए, आपका चैनल भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट ऐसी आई कि सर इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल बनाइए ताकि हमें भी समझ में आए कि हम ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हैं जिससे हम एक YouTube चैनल बनाकर इस चैनल पे काम कर सके। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब आप सभी को ऐसी वीडियो बनाने के लिए फूड चैलेंजिंग की YouTube पे वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर ये बंदा झूठ बोल रहा है, वहां पर आपको वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा, उस पॉइंट को आपको नोटिस करना पड़ेगा जहां पर उसने झूठ बोला है। जैसे आपको पता लग जाए और उस वीडियो को डाउनलोड करके उस पे अपनी वॉइस ओवर करनी है। वॉइस ओवर कैसे करनी है चलिए मैं आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे समझाऊंगा। उससे पहले यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जिनको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का नहीं पता। तो यहां पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी, ये देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, जाके मेरे को फॉलो कर लेना। वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि वीडियो कैसे डाउनलोड की जाती है। और सब कुछ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे समझाऊंगा कि वह आप ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हो अपना मोबाइल का यूज करके। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो फाइनली दोस्तों यहां पर आप सभी मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। यहां पर मैं एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं। तो आप भी अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। अब आपको वीडियो कैसे बनानी है, सबसे पहले आपको फूड चैलेंजिंग की वीडियो देखनी है, उन वीडियोस को देखना है, उन वीडियो में समझना है कि कहां पर उस बंदे ने वीडियो में झूठ बोला, कहां पर उस बंदे ने वीडियो में कट किया है। वहां पर आप सभी ने देखा होगा बहुत सारी चैलेंजिंग की वीडियो ऐसी है जो अपनी वीडियो में एडिटिंग करते टाइम वहां पर कट करते हैं। तो इन चीजों को आपको नोटिस करना है, और जैसे आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो में मिस्टेक हुआ है तो आपको वो वीडियो जाके डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं करने आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, जाके फॉलो कर लेना, मैसेज करके पूछ सकते हो कि वीडियो कैसे डाउनलोड करना है। तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप वीडियो को देख लोगे कि भी इस वीडियो में झूठ बोला गया है तो आपको वो वीडियो डाउनलोड करके इंस्टाग्राम में लेके आनी है, और इंस्टाग्राम में आपको देखना है वहां पर कि कौन से पॉइंट पे कट किया गया, उसी हिसाब से आपको वॉइस ओवर करनी है। अब वॉइस ओवर करनी कैसे है, यहां पर आपको रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने स्टार्ट का बटन आ जाएगा। स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे जो बोलोगे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये मैंने उसी का सेम आइडिया आपको दिखाया, जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया था चैनल, उसी की वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखी है और उसी के ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वो करता है। देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। 10 सेकंड के अंदर कौन दो बार वीडियो काटता है, पहला कट ये लगा और दूसरा कट ये लगा। ये देखो आपने वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि ये अपनी वीडियो में सच्चाई बता रहा है, और जहां पर वीडियो कट हुई इसने अपने वीडियो में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिस किया अपनी वॉइस ओवर करनी है। तो इसी तरीके से आपको काइन मास्टर में अपनी वॉइस ओवर करनी है और इसी तरीके से आपको वीडियो को एडिट करना है। यही आपका फुल ट्यूटोरियल है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले नोटिस करना है कि कहां पर झूठ बोला गया, कहां पर वीडियो कट की गई है,
और उसके ऊपर आपको वीडियो को डाउनलोड करना है, काइन मास्टर में लेके आना, सिर्फ अपनी वॉइस ओवर करनी है, बाकी कुछ और काम नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप इस वीडियो में अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो और यहाँ पर एक सब्सक्राइबर का बटन भी लगा सकते हो जैसे इसने लगा रखा है। तो अपनी वीडियो में अपने चैनल का लोगो जरूर लगाना ताकि इससे लगे कि आपकी ही वीडियो है। एक तो आपकी इसमें वॉइस ओवर हो जाएगी और आपकी वीडियो पे कॉपीराइट भी नहीं आएगा। अब बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कॉपीराइट आ जाएगा, तो करना क्या है, आपको छोटी छोटी वीडियो की क्लिप लेनी है, यानी कि आपने पूरी वीडियो यूज़ कर ली, जहाँ पर आपको वीडियो में झूठ लगता है उसी क्लिप को आपको वहाँ से कट करना है, सारी वीडियो आपको नहीं लेनी। जैसे कि ये फुल वीडियो है, अब मान लीजिए जो झूठ बोला गया है यहाँ से है, अब आपको इस पहले वाले पार्ट को कैसे कट करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट, जो आपका पहले वाला पार्ट है वो कट हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए जो वीडियो में झूठ बोला गया इतने पार्ट में है, तो आपको वीडियो में सिलेक्ट करना है और कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, और आपका वीडियो का वही पार्ट बच जाएगा जिसमें झूठ बोला गया, जिसमें आप अपनी वॉइस ओवर करोगे, तो ये आपका पार्ट बच गया। तो जैसे आपकी वीडियो एडिट हो जाए, आपकी वॉइस ओवर हो जाए, जैसे आप अपना चैनल का लोगो लगा लोगे, सब्सक्राइबर का बटन लगा दोगे, तो आपको ऊपर क्रॉस का निशान मिलेगा और वीडियो यहाँ पर आप अपनी गैलरी में सेव करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों।